ऑस्ट्रेलिया कैप्टन एरन फिंच ने ओडीआई से संन्यास ले लिया है। इन्होंने लास्ट सात मैचों में सिर्फ 26 रन बनाए थे ओडीआई में, जिसकी वजह से इन्होंने संन्यास ले लिया। और संडे को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच थर्ड ओडीआई इनका लास्ट ओडीआई था। ये 35 साल के हैं और इन्होंने अभी तक 145 ODIs खेले हैं, जिसमें इन्होंने 5,401 रन बनाए हैं और इसमें 1,700 शामिल हैं। ये 2015 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के भी हिस्सा थे। इन्होंने अपना डेब्यू 2013 में किया था। एरन फ्लिंच की बात करें तो एरन फ्लिंच का पूरा नाम एरन जेम्स फ्लिंच है और इनका जन्म 17 नवंबर 1986 में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे और ये T20 और ODI में भी कैप्टन थे और अब इन्होंने ODI से संन्यास ले लिया है। इसके अलावा इनका जन्म विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और फिंची इनका निकनेम है। ये राइट हैंड बैट्समैन है और बॉलिंग स्लो और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं। ये ओपनिंग बैट्समैन है ऑस्ट्रेलिया के और नेशनल साइड में इन्होंने 2011 में एंट्री की थी और अभी तक खेल रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने टेस्ट डेब्यू 7 अक्टूबर 2018 में किया था पाकिस्तान के खिलाफ और लास्ट टेस्ट इनका 2018 में इंडिया के खिलाफ था। इसके अलावा ODI का डेब्यू इन्होंने 11 जनवरी 2013 में श्रीलंका के खिलाफ किया था और लास्ट ODI इनका 11 सितंबर 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ था।